जनपद के विकास खंड जोगिया में अस्थाई गौशाला सिरसिया की स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। जहां खंड विकास अधिकारी जोगिया को जिम्मेदारी दी गई, वहीं अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहे और किसानों की फसल नुकसान हो रही है। किसानों ने जब खंड विकास अधिकारी से अपनी पीड़ा कहीं तो अधिकारी द्वारा शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसके लिए कोई धनराशि अवमुक्त नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जबकि मौके पर SDM नौगर द्वारा गौशले का निरीक्षण किया गया और त्वरित कार्रवाई के लिए हिदायत खंड विकास अधिकारी को दिया और यहां की व्यवस्था पर SDM ने नाराजगी जताई और कहा कि इसकी व्यवस्था आपकी जिम्मेदारियों में है और आपको करना होगा। इसमें कोई लापरवाही बरतने की कोशिश न करें, यहां रोस्टर से ड्यूटी लगाई जाए, बिजली पानी चारा भूसा यहां तक कि पुलिस फोर्स का भी इंतजाम किया जाए, जिसका पूरा इंतजाम खंड विकास अधिकारी को करना होगा। यहाँ का अफसोस है कि अगल जो है हमारे जोगता भाई को बंद कर दिया है ये साथ में, और उससे नाराज हो गए, उसे ट्रांसफर की मांग हम लोग कर रहे हैं। रात में चलान रात में चलान भेज दिया, चालान कर दिया, अधिवक्ता का चालान कर दिया, दूसरे पक्ष को नहीं बदलान किया, और बार के अध्यक्ष ने वार्ता किया एसओ से तो कहा छोड़ देंगे। SDM ने वार्ता किया एसओ से तो कहा नहीं हम छोड़ देंगे। अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप लोग? अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? आंदोलन निश्चित आंदोलन चलेगा। क्या है ये आप लोग कहाँ तक पहुँचाए हैं, इनको शिकायत किए हैं? हम लोग गौशाला की व्यवस्था किए थे लेकिन वो व्यवस्था एकदम बेकार है। 8 दिन से वीडियो साहब आज बिहान करते करते लापरवाही से कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ जो मना है गौशाला आपका ये कहाँ निर्माण हो रहा था? कहाँ जो है क्या सुविधाएं हैं वहाँ पे? वहाँ कोई सुविधा नहीं है, खाली लोकल तार घिरवा करके ये तार कौन किसने घिरवाया था? वीडियो और वीडियो दौड़ दौड़ के हम लोग वीडियो के पास आते हैं, वीडियो कहते हैं अभी व्यवस्था होगा, कल व्यवस्था होगा, ऐसे 10 रोज से हम लोग। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? पारस नाम। कहाँ से हैं? ककराई। वीडियो द्वारा बताया गया कि केवल इस गौशाला में मात्र 96 पशु रह सकते हैं और शेष छोड़ दिया जाए, लेकिन SDM द्वारा बताया गया कि ऐसी कोई मानक नहीं है, इधर उधर की बातों से जिम्मेदारियों से मुकर नहीं सकते। सर जोगिया ब्लॉक में नगरा में तिरसिया में गौशाला निर्माण हो रहा है, इसमें किसकी जिम्मेदारी है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ होनी है? देखो अस्थाई गौशाला बनाने के लिए शासन ने बहुत विस्तृत शासन आदेश जारी किया, 2 जनवरी का शासन आदेश है, उसमें सबके काम अलग अलग डिफाइंड है। जैसे ब्लॉक स्तर पर जो है न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम सभा स्तर में जो बनेगा उसके लिए BDO जिम्मेदार है, BDO सारी व्यवस्थाएं कराएंगे, खाने की रहने की उसकी बैरिकेटिंग वगैरह की सारी व्यवस्थाएं कराएंगे। DC मनरेगा है, उनके स्तर से यहाँ कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, कर्मचारी रोस्टर में उनका अपना मास्टर रोल बनेगा, जो भी होगा पेमेंट होगा। सारा शासन आदेश में बहुत क्लियर है, 2 जनवरी का शासन आदेश है, आप लोग भी उसको देख लीजिए, नेट पर भी है, आपको पूरी चीज उसमें मिल जाएगी। सर जनता ने भी मीडिया को बताया कि 10-15 दिन से हम लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं लेकिन यहाँ BDO साहब देखने तक नहीं आ रहे हैं और कोई व्यवस्था नहीं, खाने पीने का नहीं है। नहीं आज BDO मैंने बुलाया है, यहाँ भूसा भी है, पुआल वगैरह भी पड़े हैं, BDO को भी मैं बुलाए हैं, यही साथ पे हैं इस समय, और मैं उनको पूरी चीज़ बता रहा हूँ, पूरा डायरेक्शन BDO साहब को दे रहा हूँ जैसे करना है, और भी ब्लॉकों में जो बन रहा है उस हिसाब से पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। सर BDO साहब कह रहे हैं कि यहाँ की क्षमता 96 जानवरों की है और बाकी सबको निकाल दो। नहीं नहीं कहाँ जाएंगे ऐसा बाकी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी न्याय पंचायत स्तर पर भी बनना है, बहुत बड़ा स्थान है ये जहाँ पे हम लोगों ने इसको चिन्हित किया है, इसमें काफ़ी संख्या में जानवर आ सकते हैं, उसकी कोई समस्या नहीं आएगी, जो भी जानवर हैं गांव वाले अपना ले आएंगे, उसको यहाँ पर अपना रखेंगे, यहाँ उनकी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित।